हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी को जोहार, जय हिंद। एक्साइज कांस्टेबल, जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल जो वैकेंसीज प्रकाशित की थी उससे संबंधित जो है वो अब रनिंग से रिलेटेड, फिजिकल से रिलेटेड जो है वो डेट आपको बता दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे 5 तारीख के डेट में ये नोटिफिकेशन जो है निकाला गया था। 20 तारीख से आपके रनिंग होने हैं। रनिंग कहाँ कहाँ पर होंगे ये भी आपको यहाँ पर बता दिया गया है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे चयन पर्षद का चयन किया गया है, 7 बोर्ड का यहाँ पे चयन किया गया है जहाँ पे आपके रनिंग होने हैं। यहाँ पे आप देखेंगे अंतिम रूप से 7 जिला जो है वो यहाँ पे बनाया गया है, सेंटर बनाया गया है, जिला नहीं कह सकता हूँ, सेंटर बनाया गया है जहाँ पे आपके रनिंग लिए जाएंगे। और यहाँ पे डे 1 डे 2 डे 3 इस तरह से बताया गया है कि 13 दिन में जो है वो एक एक सेंटर में आपका रनिंग होना है। पहला ही यहाँ पे रांची का देख लेते हैं हम, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 डे 6 डे 7, इस तरह जो है डे 13 तक जो है 73,405 कैंडिडेट का आपका रनिंग के लिए एक सेंटर में बुलाया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद जो है आपको देखने वाली बात ये रहेगा कि इस वैकेंसी से रिलेटेड बहुत सारी दुविधाएं हो रही है। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि आपको चेक कैसे करना है कि आपका सेंटर कहां पे है। तो देखिए आपका यहां पे 23060 ये तो कोड के रूप में सबके में है। उसके बाद जो है इसके बाद जो डिजिट आपको दिख रहा है 11,38,916 और उसके बाद 11,46,000, तो 38,000 और 46,000 के बीच में जितने कैंडिडेट हैं उसका रनिंग यहाँ पे डे 8 में होने वाला है आपका जाके रांची में। इसी तरह से जो है आप देख सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिला के आप कहाँ पे आपका सेंटर पड़ा है, और आशा करता हूँ कि सभी छात्र देख चुके होंगे। ऐसे मेरे पास कमेंट आ रहा था इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि अंतिम जो है वो आपको देखना है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे 13,19,886 जो है और 13,26,000, तो 19,000 और 26,000 के बीच में जितने कैंडिडेट का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उनका दौड़ जो है संबंधित सेंटर में होने वाला है। ठीक है, अब देखने वाली बात ये है कि रनिंग क्या होगा नहीं होगा, और उसके बाद एक डिमेरिट्स यहाँ पे ये आ रहा है कि एक एक लड़का का जो है वो 2-3 बार जो है रोल नंबर वहाँ पे दिया गया है, डे 1 डे 3 डे 5 में दे दिया है, इस तरह 3-3 दिन दे दिया गया है। यहाँ पे अब देखने वाले बात रहेगा कि जेएसएससी कितना जल्दी संशोधन करता है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपके रनिंग 20 तारीख से नहीं होंगे, जब दे दिया गया है तो व्यवस्थाएँ होंगी कि रनिंग किया जा सकता है। दूसरी बात ये आ रहा था कि 6,000 कैंडिडेट का एक सेंटर में एक दिन में रनिंग किया जा सकता है क्या, तो देखिए इसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है, लेकिन अगर व्यवस्था है, प्रशासन है, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि नहीं किया जा सकता है, आराम से किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो देखने वाली बात रहेगी आने वाले टाइम में, जैसे जैसे होगा मेरे चैनल के माध्यम से आपको लगातार अपडेट मिलता रहता है और मैं देता रहूँगा। तो चलिए यहाँ पे आपके क्वेश्चंस को मैं ले लिया हूँ कि आपके क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले क्या हो सकेगा दौड़, तो देखिए इसकी पॉसिबिलिटीज़ अभी मैं 100% बोल रहा हूँ कि आप दौड़ 20 को ही मान के चलिए। उसके बाद आपका जब भी डेट हो डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 इस तरह में आप उतना आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। क्या क्या गलत है PDF में वो मैंने बता दिया कि एक एक छात्र का रजिस्ट्रेशन नंबर 2-3 दिन में जो है वो शो कर रहा है। हाईकोर्ट आदेश का पालन होगा क्या, तो हाईकोर्ट का आदेश क्या है वो पहले जान लीजिए। जब झारखंड दरोगा का रनिंग हो रहा था तो 2-3 बच्चों का डेथ हो गया था, जहाँ तक मुझे जानकारी है, तो हाईकोर्ट ने जो है वो आदेश निकाल दिया था, आदेश पारित किया हुआ था कि दौड़ जो है वो कुछ टाइम दिया था कि 9 बजे या 10 बजे के पहले ही आप कंडक्ट करा लें ताकि कोई लड़का को जो है धूप के कारण अपना जान ना गाना पड़े, कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो उसका अगर पालन होगा तो 6,000 कैंडिडेट का एक दिन में दौड़ कराना बहुत मुश्किल है, ये आप लोग समझ सकते हैं। अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या होता है और कैसे प्रोसेस किया जाता है। पुरानी बहाली का क्या हुआ है 5 अगस्त को, तो देखिए पुरानी बहाली जो थी 5 अगस्त के डेट में, फिर उसको डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है और उस डेट को जो है वो 13 अगस्त कर दिया गया है, 13 अगस्त कर दिया गया है। अब देखने वाली बात रहेगी 13 अगस्त को क्या होता है, लेकिन इसी तरह जो है वो डिले 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 करके जो है जो न्यू वाले वैकेंसी हैं उसको आगे ले जाया रहा है। और जिस तरह से 20 तारीख के डेट में आपके फिजिकल का डेट दे दिया गया है, अगर फिजिकल कंडक्ट हो जाता है तो फिर बराबरी में आ जाएगा पुराना स्टूडेंट और नया स्टूडेंट, क्योंकि उनका भी एग्जामिनेशन हो चुका है और इनका भी रनिंग हो चुकेगा। तो कहीं ना कहीं जो है वो सरकार एक दुविधा में है, जैसे दुविधा में है और छात्र भी दुविधा में ही है कि क्या होने वाला है। ठीक है, बाकी जो अभी सामने दिख रहा है वही करना है। दौड़ आपके 20 तारीख से है, सभी को बेस्ट ऑफ लक, आराम से दौड़िए। और जैसे ही आप दौड़ लेंगे मेरे चैनल के माध्यम से आपको लगातार स्टडी मटेरियल्स आपको मिलते रहेंगे, बिल्कुल निशुल्क मिलेगा। इस चैनल इस डिस्क्रिप्शन में जो है वो मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा जहां आप जुड़ सकते हैं, और जैसे ही आपके फिजिकल निकलेंगे आप रिटर्न का तैयारी वहां आराम से आके कर सकते हैं। ठीक है, और कोई अगर जानकारी रह गई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करूँगा। बाकी जो भी अपडेट्स थे, जो जरूरी अपडेट्स थे, वो मैंने एक्साइज से रिलेटेड, उत्पाद सिपाही रिलेटेड बता दिया है। और झारखंड कांस्टेबल वाले छात्र परेशान ना हो, जैसे ही एक्साइज का रनिंग कंप्लीट हो जाएगा झारखंड पुलिस के छात्रों को भी जस्ट उसके बाद बुला लिया जाएगा। ठीक है,
बाकी उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इस चैनल पर अगर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।